थाना प्रभारी रामगढ़ताल, थाना निरीक्षक जगत नारायण सिंह व उप निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्रा, अभिनव मिश्र, अजय कुमार राय की टीम द्वारा 13 जून की रात को गश्त के दौरान सूचना मिली कि नौकायान की तरफ से दो शातिर अपराधी एक मोटरसाइकिल से असलहे लेकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हनुमान मंदिर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हनुमान मंदिर के पास पहुंचकर पैदल लुकते छिपते नौकायान की तरफ बढ़कर पेड़ की आड़ लेकर सामने से आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में सामने से आ रही मोटरसाइकिल को पुलिस टीम द्वारा रोकने पर सामने से जान से मारने की नीयत से बदमाशों ने फायर कर दिया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए साधारण चोट पहुंचाने के उद्देश्य से प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपने रिवॉल्वर से घुटने का लक्ष्य साधते हुए एक फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति मौके पर चुटिहल होकर गिर गया तथा दूसरा व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। गोली लगने वाले व्यक्ति के पास से एक तमंचा, 315 बोर व 5 जिंदा कारतूस व सड़क पर 2 अदद खोखा व 2 तमंचे के नाल से 1 अदद खोखा, कुल 3 खोखा बरामद हुआ। मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। चोटिल अभियुक्त ने अपना नाम अमित पुत्र स्वर्गीय विष्णु निवासी मझरिया बिस्टौल थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया और भागे हुए व्यक्ति का नाम चिरैया निवासी खोराबार बताया। चोटिल अभियुक्त को मौके से इलाज हेतु सदर अस्पताल गोरखपुर पुलिस के साथ भेजा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार व एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया। ये कल चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर रामगढ़ताल को जरिए मुखबिरी सूचना मिली कि नौकायान पे एक व्यक्ति और एक उसका साथी है, ये दोनों बड़ी घटना को कारित करने वाले हैं। इस सूचना पे जब वो लोग नौकायान के पास पहुँचे तो उन्होंने इन पे पुलिस पे जान लेने के नियत से फायर किया, जिसके जवाबी फायर में एक गोली के पैर में लगी थी, दूसरा अभियुक्त भाग गया था। अभियुक्त की अब आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उसका नाम अमित है, पुत्र स्वर्गीय विष्णु निवासी मंझरिया बिस्तौल। और देखिए इस पे लूट के और आर्म्स एक्ट के और बाकी धाराओं के लगभग 23 मुकदमे इस पे पंजीकृत हो रखे हैं और ये टॉप 10 में भी था, थाने की टॉप 10 की लिस्ट में था। आगे इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक अमित नाम का हिस्ट्री शीटर है जिनके खिलाफ 23 मुकदमे हैं और 23 मुकदमे में 10 से 12 लूट और चोरी के मुकदमे हैं। इनकी सूचना मिली थी ये कहीं लूट करने जा रहे हैं रात में, इसी सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी किया गया। पुलिस का नाका देख के पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया है, जवाबी आत्मरक्षात्मक फायरिंग जो हिस्ट्री शीटर है वो घायल हुआ है, खतरे से बाहर है, उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बाकी इनके इनसे जो अवैध असला जो बरामद हुआ है इनके खिलाफ 307 का केस लिख के इनको जेल भेजा जाएगा जी। वो भागने में सफल रहे हैं, उनकी भी तलाश किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी।